इस कहानी में 1942 का समय दिखाया गया है, जहां पर हम बेंगलोर रिसर्च यूनिवर्सिटी में रे जमनादास को देखते हैं, जो कि इस समय सेरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने पर अपनी एक थ्योरी बता रहे थे। यहां काफी सारे प्रोफेसर और साइंटिस्ट भी बैठे थे, जिनका कहना था कि अगर हम सेरोगेसी के जरिए बच्चों को पैदा करेंगे, यानी कि प्रेगनेंसी के समय कोक किसी और माँ की होगी और स्पर्म किसी और पिता का होगा। कुछ प्रोफेसर और साइंटिस्ट उनकी इस बात से एग्री होते हैं, मगर कुछ उनकी बात को नकार देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इससे खून का रिश्ता नहीं बन पाता। आखिर अपना खून तो अपना खून ही होता है, जिस पर रॉय का कहना था कि हमेशा संस्कार परवरिश से आते हैं, ना कि खून से। बेसिकली रॉय जमनादास ऑर्फनेज का ही एक ऑर्फन चाइल्ड था, जिसे किसी ने अडॉप्ट ही नहीं किया। लेकिन एक दिन उनके ऑर्फनेज में दो जोड़े ट्विंस आते हैं, और अब तो उन्हें लेने के लिए अच्छा परिवार भी आ चुका था। लेकिन रॉय को यहाँ पर अपनी थ्योरी प्रूफ करनी थी कि हमेशा खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा घर, अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश ही इंसान को इंसान बनाती है। तो इसी के चलते ये भाई साहब उन दोनों बच्चों में से एक एक बच्चा अदला बदली कर देते हैं। एक परिवार इन दोनों बच्चों को बेंगलोर लेकर चला जाता है और दूसरा परिवार ऊटी लेकर चला जाता है। इन दोनों ही बच्चों का नाम रॉय और जॉय रखा जाता है। ऊटी वाली फैमिली एक सर्कस चलाती थी, और एक दिन उस सर्कस में कुछ गड़बड़ हो जाती है और एक इलेक्ट्रिक वायर जॉय को टच करने ही वाला था, तभी रॉय आकर उसे रोक लेता है। और खास बात तो यह थी कि उसे झटका भी नहीं लगा। वही सीन शिफ्ट होता है बेंगलोर वाले रॉय पर, जिसके पूरे शरीर में करंट दौड़ चुका था और उसकी झटके खाकर हालत खराब हो चुकी थी। यानी कि मतलब साफ था, अगर एक भाई करंट को छुएगा तो उसे कुछ नहीं होगा, मगर दूसरा भाई करंट के झटके खाकर बेहाल हो जाएगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और इनमें से एक फैमिली टपक जाती है, मतलब ऊंटी वाले रॉय के माता पिता टपक जाते हैं। तो अब सर्कस को संभालने का काम रॉय अपने सर पर ले लेता है, और उसका फाइनल एक्ट यही होता था, मतलब बिजली कड़काऊ छोड़ा। उसकी वाइफ को नॉवेल्स लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन कहीं वो फ्लॉप हो जाए इसलिए वो अपना नाम न डालकर कर्नल विक्रांत के नाम से वो बुक पब्लिश किया करती थी, और उसका बड़ा वाला फैन था बेंगलोर वाला रॉय। एक दिन रॉय जमनादास वाले रॉय के घर पर आता है, जहां पर उसकी बीवी माला कहती है कि हमने कई बार ट्राई किया लेकिन हमारे कोई बच्चे नहीं हुए, इसलिए हम तो चाहते हैं कि ऑर्फेनेज से ही कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। मगर इस रॉय का कहना था कि अपना खून तो अपना खून ही होता है, लेकिन उसे कौन बताए कि वो खुद भी एक अडॉप्टेड सन है। यह बात प्रोफेसर को तो पता थी, मगर उनमें से किसी को भी नहीं पता थी। सीन शिफ्ट होता है बेंगलोर में, और हम यहाँ पर देख पाते हैं बेंगलोर वाले रॉय और उसकी गर्लफ्रेंड बिंदु को। ये दोनों प्यार में पड़ चुके थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन बिंदु के पिता राय साहब को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को पूरे बेंगलोर का सबसे अमीर शख्स मानते थे और वो छोटे घराने में अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे। इसीलिए रॉय उन्हें अपने घर पर इनवाइट करता है, और यहाँ शकुंतला देवी से उनकी मुलाकात होती है, जिनका खुद का घर भी बहुत ज्यादा बड़ा था। अब राय साहब और शकुंतला देवी के बीच में झड़प हो जाती है, कोई कहता है कि वो बड़ा, कोई कहता है कि वो बड़ा। यहाँ पर राय साहब को सिर्फ पैसा और एक अच्छे खानदान की जरूरत थी, इसलिए वो इस शादी को डन कर देते हैं। मगर उसी टाइम रॉय कहता है कि उसे किसी काम से एक डील फाइनल करने के लिए कल सुबह ही ऊटी के लिए निकलना होगा। और जब वो ऊटी के लिए ट्रेन में बैठता है तो वहाँ कुछ लफंगे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन लफंगों को पता चलता है कि ये काफी अमीर घर से आए हैं और उनके बैग में काफी सारा पैसा है। अब जहाँ एक तरफ ऊटी वाला रॉय अपना इलेक्ट्रिक शो दिखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो चोर बेंगलुरु वाले रॉय के बैग से पैसे चुराना चाहता था। अब जैसे ही ऊटी वाला अपना करंट छूता है तो यहाँ बेंगलोर वाले को जोर का झटका लगता है और बेचारे चोर की ऐसी की तैसी हो जाती है। ऊटी वाले रॉय की बीवी मान नहीं रही थी, इसलिए वो हीरो के हार का ऑर्डर तैयार करवाता है। वहीं बेंगलोर वाले रॉय के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, जो कि पॉलसन दादा के लिए उसके बर्थडे गिफ्ट में 50,000 देने के लिए चोरी करना चाहते थे। तो कुल मिला के जहाँ एक तरफ चोरों की स्टोरी चलती है, वहीं दूसरी तरफ हीरो की हार की स्टोरी चलती है, और पूरी मूवी में ऐसा ही चलता रहता है। काफी ज्यादा कॉमेडी होती है, कभी कोई किसी को मारता है, कभी कोई किसी को मारता है। यहाँ पर इन दोनों रॉय और जॉय के बीच में ही बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कोई कहता कि मैंने तुझे वहाँ देखा है, कोई सोचता है कि तू अभी तो यहाँ पर था मगर अब वहाँ कैसे चला गया। इसी बीच माला और बिंदु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका पति उन्हें चीट कर रहा है। सबके बीच में बहुत झगड़ा होता है, बहुत कॉमेडी होती है। और एक दिन अपने ही शो में जब इलेक्ट्रिक वाला रॉय अपना मैजिक दिखाने वाला था, तभी नॉन इलेक्ट्रिक वाला रॉय पहुँच जाता है और पूरी पब्लिक उन दोनों को साथ में देख लेती है। जहाँ एक जना झटकों को झेल रहा था, वही दूसरा जना झटके खाकर बेहाल था, जिसके बाद रॉय जमनादास आते हैं और पूरी पब्लिक को सच बता
बताते हैं कि बचपन में मैंने अपनी एक थ्योरी को प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्विंस में से अदला बदली कर दी थी। हालांकि पैदा दो रॉय और दो जॉय हुए थे, तो मैंने एक रॉय जॉय अलग कर दिया और एक रॉय जॉय अलग कर दिया, और इसी के साथ रॉय और माला भी एक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉय और बिंदु भी एक हो जाते हैं, और जिस कंसेप्ट को लेकर के मूवी शुरू हुई थी यानी कि सरोगेसी, वो पूरी तरीके से चेंज होकर ऑर्फनेज पर आ जाती है कि हमें कभी भी किसी इंसान को उसके खून से जज नहीं करना चाहिए, उसकी परवरिश को देखना चाहिए। अब कहानी के एंड में एक सीन आता है जहाँ पर जमुना दास के पास में पांच छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो कि थे गोपाल, लक्ष्मण, लकी, माधव और एक और लक्ष्मण। यानी कि स्टोरी बिल्कुल स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट वाली गोलमाल से जाकर कनेक्ट हो जाती है कि कैसे वो पांच बच्चे जमुना दास अनाथालय के अंदर आ गए, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।